जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य भराड़ू बाढ़ से विजेता कुशाल भारद्वाज के समर्थकों ने आज मछियाल से हार भराड़ू पेटू गडूही लिंक पेडू नागद्याड़ा चनेहड़ वो बिहू तक एक मतदाता आभार रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने जगह जगह अपने नेता कुशाल भारद्वाज का अभिनंदन किया। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत ऐसे वक्त में मिली है जब मुझसे वोट मांगने घर घर जाना तो दूर बल्कि कई गांवों में भी मैं नहीं पहुंच पाया था। इस चुनाव में हमारे बाढ़ की जनता ने पार्टी व क्षेत्रवाद की दीवारों को तोड़कर हमें वोट दिया है। मुझे मालूम है कि इन पंचायतों में मेरी पार्टी का या मेरा इतना आधार नहीं है, लेकिन समस्त जनता ने ठान ली थी कि पार्टियां हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन उसको ही जिताएंगे जो 12 महीने जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष करता हो, किसी के साथ भी पार्टी या क्षेत्र के आधार पर कभी भेदभाव ना करता हो तथा जो सबसे बेहतर हो। वार्ड में कुल 6 उम्मीदवार थे और इन 6 उम्मीदवारों में एक मैं भी था, जिसमें भराड़ू जिला परिषद वार्ड की तमाम पंचायतों के तमाम लोगों ने एक भारी मतदान हमारे पक्ष में किया है। और इसमें इस चुनाव में जो है बाकी 5 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, मुझे हालांकि उसकी कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये जनता ने इस काम को किया है और उसके साथ साथ जो है एक रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत हुई है, रिकॉर्ड मत हासिल हुए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है क्षेत्रवाद की तमाम दीवारों को तोड़ा लोगों ने, कोई वार्ला पार्ला नहीं चला, कोई इस पंचायत उस पंचायत का, इस गाँव उस गाँव का नहीं चला, कोई पार्टी का नाम नहीं चला, कोई सरकार का दबाव लोगों ने नहीं सुना है। लोगों ने इस आधार पर वोट दिया कि कौन 12 महीने उनके लिए काम करता है, कौन उनके लिए संघर्ष करता है, कौन जो है उनके मुद्दे उठाता है, कौन उनके लिए जो है संकट के समय जो है खड़ा होता है। बस सिर्फ इस बात को लोगों ने ध्यान में रखा। मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का प्यार मिला, उन्होंने ज़बरदस्ती लगभग चुनाव में उतारा और उसके बाद लोगों ने काम किया है। और बहुत सारे आज पंचायत के जो प्रधान जीते हैं, उप प्रधान जीते हैं, BDC जीते हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे बीच में। अभी भाई जितेंद्र जी हैं जो कमांडो रिटायर्ड हैं और बडवान पंचायत के प्रधान रहे पहले भी, इस बार फिर से भारी मतों से जीते हैं। हमारे साथ जो है साथी रविंदर जी हैं जो टिकरी मिशारा के जो है प्रधान जीते, वो यहाँ पर आए हैं और सारी पंचायतों के आगे बिहू में मिलेंगे सारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और उसके साथ साथ वो ओम प्रकाश जी वहाँ से कुफरी से, फिर ब पंचायत से जो प्रधान जीते हैं, फिर सहाय ठाकुर जी और लगभग सारे लोग, और इन पंचायतों में हमारे जितने लोग हैं वो सब वहाँ पे जो हमने बुलाए आ रहे हैं आज। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुद्दों के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, हमने किसी विपक्षी उम्मीदवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कई तरह का दुष्प्रचार किया, लोगों ने उनके दुष्प्रचार को नहीं सुना और मैंने लोगों को कहा कि मेरे अंदर जितनी कमियां हैं वो भी आपके सामने है, कोई खूबी हो भी आपके सामने है, इसलिए अपनी बड़ाई करना और दूसरों की बड़ाई करना उससे मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहता और कोई भी वायदा मैं नहीं करना चाहता चुनाव से पहले, क्योंकि डायरेक्ट कोई नीति नहीं है। लेकिन जो 12 महीने हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, काम करते हैं, अगर जिला परिषद में जीत करके जाएंगे तो उन्हीं मुद्दों को जो हम वहाँ पर भी उठाएंगे और जन कल्याण के लिए जो काम करेंगे। तो आज तो धन्यवाद कार्यक्रम रखा था, लेकिन जगह जगह लोगों ने ये अभिनंदन कार्यक्रम रख दिया, मछियाड़ के अंदर, उसके बाद अलग अलग स्थानों पर है। अभी हमें जो है 12 बजे तक जो है वहाँ पहुँचना है, बिहू से पहले वहाँ पे एक बड़ा धन्यवाद कार्यक्रम है जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं, रास्ते में लोग इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पर जो है धाम का आयोजन भी हमारी जो आयोजन समिति उसने किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे जिला परिषद के अंदर भी और बाहर भी, और जो सरकार की जनपक्ष की नीति है उसका हम समर्थन करेंगे, उसको लोगों तक ले जाएंगे, लेकिन जो विरोध की नीति है उसका हम जो डट करके मुकाबला करेंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।